जो तुझे मारना चाहता है उसी से तू बचाने के लिए कह रहा है। अब तो बस मैं तुझे मरते हुए देखूंगा विक्रम। जय महाकाल। बेताल, तुम हमारे कैसे मित्र हो बेताल? हमारी सहायता करने के स्थान पर तुम यहाँ खड़े खड़े बहाने बना रहे थे, और इतना विशाल चट्टान हमारे ऊपर गिरा कैसे? विक्रम, तू तो ऐसे कह रहे जैसे चट्टान मैंने गिराई। नहीं बेताल, हमारे कहने का ये अर्थ नहीं था, किंतु हमें ऐसा लगा जैसे किसी ने जान बूझ कर हमारे प्राण लेने का प्रयत्न किया। भद्रकाल ने किया होगा ना? भद्रकाल ये है जो ये चाहता है कि हम लोग भावलोक ना पहुंचे। सत्य कह रहे हो तुम बेताल, और इससे पहले कि वो कोई और बाधा उत्पन्न करे हमें शीघ्र भावलोक पहुंचना होगा। शीघ्र चलो। तो भावलोक पहुंचे न पहुंचे, किंतु मैं तुझे यमलोक अवश्य पहुंचाऊंगा विक्रम। बच गया ये भाग्य का बलि, राजा विक्रमादित्य फिर से बच गया। किंतु अब और नहीं बचेगा भद्रकाल। सुगंधा, तुम्हारी मांग के सिंदूर से ये विक्रम और बेताल में शत्रुता तो पैदा हो गई, किंतु इस शत्रुता से हमें कोई लाभ भी होगा कि नहीं? भद्रकाल, बेताल से विवाह करके मैंने अपनी सारी नकारात्मक शक्तियों को उसके भीतर प्रवेश करा दिया है। अब बेताल वही करेगा जो मैं चाहूंगी, वो वही सोचेगा जो मैं कहूंगी, और मैं चाहती हूँ विक्रम की मृत्यु। और बेताल अब तब तक नहीं रुकेगा जब तक विक्रम का अंत ना हो जाए। अरे एक बार उस विक्रम का अंत तो हो जाए, फिर मैं बेताल को यहाँ ले आऊंगा, और 1100 वर्ष पूर्व जो अधूरा छूट गया था उसे पूरा करूंगा मैं। विक्रम, यदि हम तेरे अनुसार चलते रहे मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में हम लोग भावलोक पहुंच पाएंगे। तो तुम्हारे पास कोई अन्य मार्ग है क्या बेताल? हाँ विक्रम, मैं अगर चाहूं तो पलक झपकते तुझे भावलोक पहुंचा सकता। वो कैसे बेताल? विक्रम, तू बार बार भूल जाता है मैं बेताल हूँ। मैं तुझे लेकर उड़ सकता हूँ विक्रम। तो अब तक क्या हमारी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे थे? नहीं नहीं, अभी अभी तेरी स्थिति देखकर मेरे मन में विचार आया है। तो अब क्या सोच रहे हो? शीघ्र ले चलो मैं भालू। चला जा विक्रम। विक्रम, अब मैं तुझे भावलोक नहीं मृत्यु लोक लेकर जाऊंगा। बेताल, बेताल तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? हमें दूर जाना है, आगे बढ़ो। यह तेरी अंतिम यात्रा है विक्रम,
आखिरी बार संसार को जी भर के देख ले। अंतिम उड़ान, तुम कहना क्या चाह रहे हो बेताल? बड़ा भोला है विक्रम, अभी नहीं समझा? तू मरने वाला है विक्रम, मृत्यु होने वाली है तेरी। तुम हमारे मित्र हो बेताल, तुम चाह कर भी हमारा अहित नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। जानता हूँ जानता हूँ, विश्वास नहीं हो रहा ना, किंतु मैं तेरा मित्र नहीं, तेरी मृत्यु हूँ विक्रम। बेताल, बेताल, क्या कर रहे हो तुम? ये पूछने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा विक्रम। हाँ बलि विक्रम, तू मित्रता की बलि चढ़ गया। बेताल, यदि तुम्हें हमारी कोई बात बुरी लगी है तो हम बात कर सकते हैं बेताल। राजन, मुझे नहीं पता था कि तुझे मृत्यु से भी भय लगता है। हमें मृत्यु से भय नहीं लगता बेताल, हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें चिंता है कि हम भद्रकाल का अंत कैसे करेंगे। भद्रकाल का अंत ऐसे होगा, ऐसे। बेताल, तू अकाल मृत्यु मर रहा है विक्रम, और अकाल मृत्यु मरने वाले मेरी तरह प्रेत योनि में भटकते हैं। प्रेत योनि में तेरा बहुत बहुत स्वागत है विक्रम। अरे जिस विक्रमादित्य ने सदैव बेताल की रक्षा की, उसी मित्र की, परम मित्र की बेताल ने हत्या कर दी। बेचारे विक्रमादित्य की आत्मा को शांति मिले ना मिले, किंतु मेरी आत्मा को बहुत बहुत शांति मिल रही है। अब मेरे आगे कोई बाधा नहीं है। अब कोई बाधा नहीं है। बलि चढ़ेगा वो बेताल, और फिर ये सारा संसार चरणों में होगा भद्रकाल के, क्योंकि कालों का काल भद्रकाल हूं मैं। क्या करें हम, कैसे बचाएं स्वयं को? मैंने जो आपके मन में पढ़ा, मैंने वो कर दिया देवी। हमारे और आपके प्रेम की बाधा विक्रम मर गया। बेताल जी, क्या आप ये निश्चित पूर्वक कह सकते हैं? देवी, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो देवता तक नहीं बचते, ये विक्रम क्या बला है? किंतु मैंने तो सुना था राजा विक्रमादित्य देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली है। अब जब तक मैं आपके मित्र का मरा हुआ मुख नहीं देखूंगी, मैं नहीं मानूंगी। देवी, आप समझ नहीं रही हैं। अब तक तो इसकी एक हड्डी तक नहीं बची होगी देवी। लगता है आप हमसे प्रेम ही नहीं करते हैं। अब हम आपको अपना मुख तब दिखाएंगे जब हम आपके मित्र का मरा हुआ मुख देखेंगे। देवी, देवी, केवल आपके प्रेम के लिए हम आपकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे।
तो यहीं कहीं था, गया कहाँ? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं उठा ले गया? अच्छा तो यहाँ विश्राम कर रहे हैं महाराजा धीराज विक्रमादित्य। जीवित हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का। मैं जीवित अवस्था में तू मेरे किसी काम आया नहीं, किंतु मर के तू मेरी पत्नी का हृदय जीतने के काम अवश्य आएगा। चल मित्र, बहुत हो गया विश्राम, आ जा। कहाँ ले जाना चाहते हैं? अभी हमारी शक्ति इतनी क्षीण नहीं हुई बेताल कि एक प्रेत हमें मार सके। तू इतनी ऊंचाई से गिर के बच कैसे गया? तुम ही कहते हो ना बेताल, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब हम आकाश से गिरे बेताल, क्या करें हम, कैसे बचाए स्वयं को? आपका बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़राज कि आप हमारी पुकार सुनकर यहाँ चले आए हमारे प्राण बचाने के लिए। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। आजकल तो मित्र भी शत्रुओं का सा व्यवहार करते हैं। तुम बताओ बेताल, तुम हमें अपने मित्र को क्यों मारना चाहते हो? ये मैं नहीं जानता विक्रम, किंतु मैं इतना जानता हूँ मेरे मन में केवल एक ही भाव है और वो है विक्रम का अंत। शत्रुता का ऐसा भाव तो फिर मित्रता की आड़ में क्यों छुपे हो बेताल? सामने आओ, वार करो हम पे, देखते हैं तुम में हमारा सामना करने का सामर्थ्य है कि नहीं। विक्रम, मैं तुझे अवश्य मारूंगा, किंतु अपने ढंग से, और आज नहीं, आज तो बेताल चला। नहीं बेताल, तुम्हें राजा विक्रमादित्य का अंत आज और अभी करना होगा। देवी सुगंधा, हमने तो आपका जीवन बचाया है, आप हमारे प्राण लेना चाहती? नहीं विक्रम, तुमने मेरा जीवन नहीं बचाया, बल्कि मैंने तुम्हें बाध्य किया था मेरा जीवन बचाने के लिए। देवी सुगंधा, अति उत्तम। इस रूप में आप और भी अधिक सुंदर लग रही हैं देवी सुगंधा। क्या कर रहे तुम बेताल? ठहर जा बेताल। बेताल, मेरी शक्तियों को नहीं, विक्रम को नष्ट करो। हम जानते हैं तुम स्वयं हमारा अंत नहीं कर सकती, इसीलिए तुम हमारे मित्र के हाथों हमारा अंत करवाना चाहती हो। कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें इस संसार में? कौन है विक्रम जो तुम्हारा अंत करना चाहेगा? भद्रकाल,
भद्रकाल ने भेजा तुम्हें। हमारे मित्र को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त कर दो पुतली, अन्यथा हमें तुम्हारा अंत करने पर विवश होना पड़ेगा। विवश तुमने मुझे कर दिया है विक्रम, तुम्हारा अंत करने के लिए। क्या करूं बेटा, छोड़ो मुझे। देवी, मैं आपके प्राण बचा रहा हूँ, चलिए यहाँ से। बेताल, विक्रम, इस संसार में तुम केवल एकमात्र प्राणी हो जो अब तक मृत्यु से लड़कर जीतते आए हो, किंतु तुम्हारी जीवन शक्ति, तुम्हारा परम मित्र बेताल अब मेरी मुट्ठी में है, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए संसार में संबंध से बढ़कर और कुछ नहीं है। मेरी पुतली की नकारात्मक शक्तियों से अपने प्रिय मित्र बेताल को बचाने का प्रयास तुम अवश्य करोगे, मैं जानता हूं, किंतु एक बात है जो तुम नहीं जानते, और वो ये है कि तुम्हारा यही प्रयास, सुना मैंने बोला ही नहीं, अरे तुम्हारा यही प्रयास तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। बेताल जैसे पुण्यात्मा पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कैसे हो सकता है? हमें पहले इस रहस्य का पता लगाना होगा, अन्यथा हम उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हे देवी पुतली, कृपया प्रकट होइए और हमारी सहायता कीजिए। कहिए महाराज, किस लिए हमारा स्मरण किया है? देवी, हमारे मित्र बेताल पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, उसकी रक्षा करने का मार्ग बताइए देवी। महाराज, एक शापित पुतली ने बेताल से विवाह किया है, और विवाह के सिंदूर के माध्यम से उस पुतली ने अपनी सारी नकारात्मक शक्तियाँ बेताल में डाल दी हैं। देवी, तो उसकी इस नकारात्मक शक्ति को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं, कैसे रक्षा कर सकते हैं हम अपने मित्र की? सिंदूर की शक्ति को केवल सिंदूर से ही पराजित किया जा सकता है। अर्थात? महाराज, यहाँ से पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र नदी के पास कामाख्या देवी का एक शक्ति पीठ है, वहाँ संसार का सबसे पवित्र सिंदूर चढ़ता है, जिसे काम्य सिंदूर कहते हैं। उस काम्य सिंदूर के द्वारा ही पुतली के नकारात्मक सिंदूर के प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है देवी, यदि हमारे मित्र पर से नकारात्मक शक्तियों को हटाने का एकमात्र मार्ग है तो हम सिंदूर अवश्य लाएंगे। धन्यवाद देवी। किंतु महाराज, आपको ये कार्य शीघ्र ही करना होगा, क्योंकि यदि बेताल पूर्ण रूप से उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ गए तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें ठीक नहीं कर पाएगी। हम समझ गए देवी, धन्यवाद। बेताल, ना तुमने विक्रम का अंत किया, ना मुझे करने दिया। देवी, मैं आपका क्रोध समझ सकता हूँ, किंतु यदि मैं आपको वहां से नहीं लाता तो विक्रम आपका उद्धार कर देता। देवी, 1100 वर्षों के पश्चात तो मेरा विवाह हुआ है, अब मैं आपके बिना एक क्षण भी अकेला नहीं रह सकता। देवी, बेताल, यदि तुम मुझे पाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम सदा सदा के लिए एक हो जाए, तो इसका सिर्फ एक ही मार्ग है, विक्रम का अंत। देवी, आपके साथ जीवन व्यतीत करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं विक्रम को अवश्य मारूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना अस्तित्व ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े।